पापा हर बार आते हैं और वीडियो में एक बॉम्ब गिरा के चले जाते हैं। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, क्या ये सेफ है? इट्स टोटली इलीगल। तो मेरे को एक पेपर में दिखा दे कि कोई किसी ने आरटीओ नॉर्म्स में ये कह दिया कि आप। इज इट नेसेसरी टू हैव ए न्यू कैरावान कन्वर्जन? हमने खुद गलतियां करी हैं उसके अंदर में, बाद में जब हमने उन सीटों को निकाला है तो वुड वर टोटली रॉटन। सो हियर कम्स द चॉपर। There's also an actor जिन्होंने, तो जो ये लोग DIY करते हैं, उन लोगों को आप क्या recommend करोगे? Failures होने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं। लोग बहुत डरते हैं registration से। What is your uptake on that? But some other YouTuber ही, उनको training करने में हमें 10-10 साल लग गए। Hello adventure lovers and welcome to a random Q&A. अभी फिलहाल हम हैं हरसिल की वादियों में, उत्तराखंड हरसिल। यहाँ पे पहली बार जब हम लोग आए थे तो इट वॉज स्पेसिफिकली फॉर ए प्रोजेक्ट ऑफ UTDB, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। बट अभी हम लोग आए हैं अपनी फैमिली के साथ कैरावान टूर पे, कैरावानिंग करने, और हमने नाइट जो है यही स्पेंड किया था अपना। We enjoyed with meals and everything. पीछे जो है आइस, अभी आपको सिर्फ ये बेल्ट दिख रहा है, देर एंड देर आई पुट इन द वीडियो। सब जगह पे इट्स स्नोइंग ऑन द टॉप और ठंड थी काफ़ी, आई थिंक रात में बहुत ठंड थी। सो दैट इज कोजी था बिकॉज वी स्टेड इन द कैरावन। इट वाज सरप्राइजिंगली कोजी। सो इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाट बेटर टाइम then now to hijack the man behind the making, क्योंकि आपके questions रहते हैं in the comments जो I cannot answer better but he can, और इसीलिए आज मैंने पकड़ लिया है पापा को and we are going to go through questions जो आप लोगों के होते हैं and let's jump right into it, क्योंकि हमको निकलना भी है यहाँ से, we are on a time crunch, हमको Delhi पहुँचना है वापस। So हेलीपैड वालों ने भी टाइमिंग दिया हुआ है कि यस, सो द लोकेशन वेयर वी आर स्टेइंग एट, इट हैज अ हेलीपैड राइट ऑन द फ्रंट, आगे स्ट्रीम है हमारे पास, रिवर बेड है, एंजॉय तो कर लिया है। अब लेट्स मूव टू द Q&A। सो पहला जो क्वेश्चन है लोगों का, दैट इज इन रिगार्ड्स विद द कैरावान। लोग पूछते हैं कि इज इट नेसेसरी टू हैव ए न्यू कैरावान कन्वर्जन और हैव ए न्यू कैरावान, ब्रांड न्यू कैरावान, या वो एक सेकेंड हैंड व्हीकल को भी ऑप कर सकते हैं? आपके ओपिनियन में कौन सा बेटर है, न्यू और सेकेंड हैंड? विदुषी, देयर टू थिंग्स, कि बेस व्हीकल आपका जो हो दैट इज़ नॉट नेसेसरली दैट यू हैव टू गो फॉर अ ब्रांड न्यू व्हीकल, यू कैन गो फॉर अ सेकेंड हैंड व्हीकल। और डिपेंडिंग ऑन दी हाउ मेनी ईयर्स आर लेफ्ट, बिकॉज अभी जो हमारे इंडिया में नॉर्म्स आया हुआ है दिल्ली NCR के लिए, दैट इज़ 10 years, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप कोई सेकेंड हैंड व्हीकल भी ले सकते हैं, बट आउटसाइड दिल्ली आपको ऐसा जो है प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली NCR के, इवन 15 इयर्स ओल्ड तक लोग बाग यूज़ गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन अगेन ऑन दी बजट, अगर आपका बजट अच्छा है ऑब्वियसली वी विल से कि आप एक नई गाड़ी को भी ले सकते हैं, और नहीं है तो सेकेंड हैंड व्हीकल को भी ले सकते हैं। अब उसमें भी दो फैक्टर्स हैं कि आप क्या पुरानी गाड़ी को भी जो कैरावन में ऑलरेडी बनी हुई है उसको लेना चाहेंगे, यस, डिपेंडिंग ऑन कि वो किस फैब्रिकेटर से बनी है, उसके अंदर भी आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बट उसका प्लस एडवांटेज जो ये हो जाएगा कि एक आप नई जब गाड़ी लेते हो उसमें वेस्टेज बहुत होता है। हम लोग जब बनाते हैं गाड़ी तो यू नो कैरावन कन्वर्जन हैज अ लॉट ऑफ वेस्ट बहुत होता है, उस वेस्टेज को रोकने के लिए अगर आप एक पुरानी गाड़ी को अगर रिफोबिश करें या उसी गाड़ी को लें, तो उससे एक एनवायरनमेंट को हम एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि हम लोग जो है पुरानी गाड़ी पे ही एक कन्वर्जन करके वापस या रिफोबिश करके दे रहे हैं। तो उसमें कई एग्जाम्पल्स हैं कि जैसे हमने एक 36 वाले जो थे उनकी गाड़ी बना के दिया, 10-11 साल हो गए, तो उन्होंने गाड़ी को टाइमली अपना जो है रिफर्बिश करा। सेकंड है आपके जो हमने मिनी कोलोसल बनाई थी उसको ओनर्स जो थे वो चेंज हुए, आई थिंक दैट्स द थर्ड ओनर, थर्ड ओनर हैं
और उन्होंने जो है गाड़ी के अंदर में जो अपने हिसाब से स्टैटिक्स थे या कुछ चेंजेस अंदर के कराने थे उन्होंने अपने हिसाब से कराए, हमारे हब में आई थी गाड़ी, हमने करके दिया। एमपी टूरिज्म को आज करीबन 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, आई थिंक 10 साल नहीं 2015 में हमने शायद उनको डिलीवर करी थी जो कैटरन्स थी, तो वो यूज में आ रही हैं। आल्सो एन एक्टर जिन्होंने कन्वर्जन जो है सेकंड हैंड व्हीकल पे, नॉट वन देयर आर सो मेनी। इवन अभी गुवाहाटी का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है 3350 पे, वो गाड़ी हमने जो है वो सेकेंड हैंड जो है T2 जो वाइडर बॉडी आती है उस पर बन रही है, जो एक्टर है उसको हमने गाड़ी जो है सेकेंड हैंड जो हमने ऑप्ट कराई है, जिससे कि उसका बजट कट डाउन हो गया। रीज़न बीइंग बाइंग ए न्यू व्हीकल मींस कैरावन के उस पर नॉर्म से अगर आप चलते हैं तो 23 लाख रुपये का बेस व्हीकल है, जो कि हमने उसको 9.5 लाख रुपये में 2020 का मॉडल हमने उसको जो है ऑप्ट कराया है। Vast difference in terms of the budget of the overall conversion, I'd say. So there is a difference. I mean, कहाँ 23 लाख रुपए और कहाँ 9.5 लाख रुपए में उसको गाड़ी पड़ा। Of course, गाड़ी के जो papers थे उसको जो हमने caravan में conversion में करवाया तो उसके अंदर में उसका थोड़ा खर्चा आया, but he still saved. I think the landing cost with all the paperwork and everything, it costed him somewhere around 13 lakh something, including registration, one time tax and all. And that's the top of his. वो गाड़ी प्राइवेट थी, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन में कराया हमने उसको, कमर्शियल से प्राइवेट प्राइवेट। एंड देयर आर मेनी अदर पीपल जिन्होंने ऑप्ट किया है, जैसे एक वो हमारा इवालिया है, निसान इवालिया के जो फर्स्ट ओनर थे, उन्होंने गाड़ी पुरानी खरीदी थी, उस पुरानी गाड़ी को उन्होंने रिफर्बिश किया, मतलब रिफर्बिश किया, उन्होंने पूरा कंप्लीट सेटअप तो हमसे तैयार करवाया था, बट सम अदर यूट्यूबर ही देन अगेन परचेज दैट व्हीकल फ्रॉम देम और उन्होंने अपने हिसाब से उस गाड़ी को जो है रिफर्बिश करा, एंड ही इज डूइंग इट यू नो ग्रेट यूजिंग दैट व्हीकल, और परफेक्ट है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि एक आदमी को किसी को भी जो है एक नई गाड़ी लेके या नए बजट पे हमें वर्कआउट करना, आप एक पुरानी गाड़ी को भी लेके जो है उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपका बजट क्या है, क्या एक सेकेंड हैंड गाड़ी जो आप ऑप्ट करने वाले हैं उसमें थोड़े से ट्वीक्स करा के आपके लिए सूटेबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर आपको लगता है देन इट्स वेल एंड गुड और आप चूज कर सकते हैं सेकंड हैंड। एक चीज पे मैं पॉइंट करना चाहूँगा, कई बार क्लाइंट से हम जब बजट पूछ लेते हैं पहले तो वो ऑफेंडेड हो जाते हैं कि व्हाई यू आर आस्किंग द बजट फर्स्ट, पीपल मेक इट सीम लाइक कि हमने उनसे उनका प्रॉपर्टी पूछ लिया है कितना, बट बजट Stating your budget up front always helps us. ये हमारे आप to fit in the shoes. Yes. आपका जो budget है उसके budget के अंदर how we can fit in, किस चीज को cut down करके या क्या करके हम उसको जो है cut down कर सकते हैं और within that budget we can plan. That's the reason we every time we request client to just share the budget. ये हमारे सारे forms पे I think if you're opting for a consultation तो सब फॉर्म्स पे आपको मिलेगा कि आपका बजट बताइए, क्योंकि अगर आप हमसे बात करते हैं ऑफ यू नो कन्वर्जन विच इज़ मे बी रेंजिंग 70-80 लाख और आपका बजट है सिर्फ 10 लाख का, सो वो बहुत बड़ा ब्रिज है जो नहीं लिंक उसको भी हम वर्कआउट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज होता क्या है कि एक फॉबिक हो जाता है, नहीं यार इनकी कंपनी का जो कैरेवन जो एक बना के देते हैं वो काफ़ी हाई एंड उस पर बना के देते हैं, ऐसा नहीं है। यू कैन स्टार्ट योर व्हीकल, यू कैन स्टार्ट योर कैरेवन फॉर अ बजट ऑफ say 3.5 lakh to 4 lakh rupees. So, it's not necessary that you have to go for a 50 or 60 lakh rupees budget. आपको एक customization को अगर कराना है, एक बहुत basic सी चीज़ को कराना है, that is also possible. आपको एक fully functional caravan बनवाना है, that is also possible. All comes with a different price. तो ये हम थोड़ा सा pivot कर गए हैं from the... Actually, hatchback के अंदर भी जैसे cars हैं, इवालिया में हमने पॉपअप बना के दिया है तो उसमें भी हमने 4 लोगों के सोने का अरेंजमेंट दिया, एंड दैट कम्स विद इन द वेरी यू नो ओन बजट। उस टाइप की गाड़ियों के अंदर में सेगमेंट में बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं, ये नहीं है कि हम लोग चीज़ों को वी बाइट फ्रॉम आउटसाइड। टेंट अगर है, अगर आपको रूफ टॉप टेंट चाहिए आपको, वो भी हम बनाते हैं। कस्टमाइजेशन ऑफ किचन्स वी आर डूइंग इन हाउस, तो ऐसा नहीं है कि लो बजट में गाड़ी नहीं बन सकती, बन सकती है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट क्या है। दैट्स अ रीजन फर्स्ट वी व्हाट वी डू इज वी गो फॉर द फ्लोर प्लान, और किसी का अच्छा खासा बजट हो तो वी गो फॉर द रेंटर्स आल्सो।
So that is the first question, and now we are going to move to the question number 2. So hamara next question hai in regards with DIYing, jo abhi caravans, kyunki log jab se ye post pandemic ke type mein bhi maine dekha hai, हाँ काफ़ी लोगों ने जो है कन्वर्जन खुद से करना शुरू कर दिया है. तो जो ये लोग DIY करते हैं उन लोगों को आप क्या रेकमेंड करोगे, एंड वुड यू एक्चुअली रेकमेंड पीपल टू इवन DIY अ कैरवान? सी स्पेशली टू द DIYers आई विल सजेस्ट, देखिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी. आपका एक एज एन हॉबी आप एक अपनी एक गाड़ी एक बार के लिए बना रहे हो, और हम लोग जो है क्योंकि हम लोगों का एक प्रोफेशन है, बिफोर प्रोफेशन मैं इस हॉबी में था, हॉबी को मैंने अपना एक प्रोफेशन बना लिया. जो टाइम एनर्जी और चीज़ों को रिफाइन करके जो हम बना के दे पाएंगे उसमें आपको करने में टाइम लगेगा और पैसा लगेगा. एंड माइंड इट, DIYers में यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि उसमें फेलियर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं. कभी भी जैसे हम कोई प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, उस प्रोजेक्ट को पकड़ते समय क्लाइंट आते हैं अपना एक डाटा लेके कि हमारे को ये चीज़ें चाहिए, तो उसी टाइम में हम लोगों का क्या, हमारी टीम बैठ जाती है और वो उस पर जो है वर्कआउट करना चाह रही कि अच्छा इस पोर्शन पे यहाँ ये कर सकते हैं, यहाँ ये बना सकते हैं. कई लोगों के मतलब टोटल ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऐसा आता है कि मेरे को टेम्पू में 10 लोगों को सुलाना है, 10 लोगों को बैठाना भी है, टॉयलेट भी चाहिए, मेरे को रिक्लाइनर भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट वो सारी चीज़ें उसके अंदर में नहीं मिल सकती हैं. तो चीज़ों को सब देखते हुए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि आपने एक एंड यूज़र के उसमें आपकी गाड़ी 100% फंक्शनैलिटी के हिसाब से आ पाएगी या नहीं आ पाएगी. दूसरा, इसमें कई और पॉइंट्स हैं, जैसे कि फेलियर कई होते हैं. सेकेंडली, मैं लोगों के नेम्स नहीं बोलूँगा. मैं कई लोगों ने अपनी जो मोटरहोम्स जो बनाई हैं, कैरावेंस बनाई हैं इन द नेम ऑफ कैरावेंस, तो वो प्रोफेशनली नहीं बनी हुई, वो उसके जो यू कैन अंडरस्टैंड, एक एडिटर जो होता है वो जब एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है तो उसके अंदर में जो उसके ग्लिच होते हैं वो उसको समझ में आते हैं, पकड़ सकते हैं. वैसे ही हम लोगों को भी पता रहता है, जब हम कभी कभी देखते हो मेरे को चीज़ें तुम दिखाते हो तो उसमें पता लगता है कि इस गाड़ी के अंदर में ये फ्लोज है और इसके आफ्टर मैथ्स जो आने वाले हैं वो ये आने वाले हैं. उन चीज़ों को लोग जो है ना लेके नहीं चलते. दैट्स अ रीज़न कुछ चीज़ों को आपको जो है खुद ना करके, या आप DIYers भी अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल्स के थ्रू काम कराना चाहिए जो नहीं हो पाते हैं. दैट इज़ द रीज़न अभी इस काम को आप करने में उतना सहमत नहीं हो कि जितना आपको चाहिए आउटपुट निकल के आना चाहिए, वो नहीं निकल पाता. सो यू आर सेइंग कि कोई अगर DIY करने का प्लान कर रहा है, सबसे पहले तो जो एक प्रोफेशनल आपको हेल्प दे पाएंगे, द रीज़न, द होल रीज़न वी गो टू अ डॉक्टर इज बिकॉज वो प्रोफेशनली इतने साल से उस चीज़ को पढ़ते हैं, दे हैव दैट नॉलेज. सिमिलरली वी बीइंग इन दिस बिजनेस, हम लोगों को नॉलेज है एक एक चीज़ की. आप शायद अपने काम के अलावा टाइम देते होंगे, बट हमारा काम ही यही है. सो हम लोग एक पूरा फोकस, एक पूरा काम जो है उसी फोकस, उसी चीज़ पे उसी चीज़ पे फोकस करते हैं हम लोग. और हमारे साथ सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, देयर इज अ कंप्लीट टीम. पूरी टीम है जो कि पूरी डेडिकेटली वो कैरावन से रिलेटेड ही सब कुछ सारा काम कर रहे हैं. उनको ट्रेनिंग करने में हमें 10-10 साल लग गए, ऑलमोस्ट 10-15 ईयर्स जो लड़के हमारे पास शुरू से काम कर रहे हैं, दे नो अबाउट, दे नो माई एक्शन. द मोमेंट आई से ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी, दे अंडरस्टैंड. एक बाहर एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर से अगर आप गाड़ी बनाओगे तो आपको बैक एंड फोर्थ बहुत करने पड़ेंगे. यू हैव टू कम्प्रोमाइज़ ऑन दी क्वालिटी, यू हैव टू कम्प्रोमाइज़ ऑन दी यू नो कि चलिए इसमें गलती हो गई कोई बात नहीं, हम इसको फिर से करके एक बार रीडू करके कर लेंगे. तभी हम लोगों के पास एक पूरी टीम है जो डेडिकेटेड है, उस काम को जानती है किस तरीके से करना है. सो अगर आप DIY करते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो DIY लेवल का ही आएगा, आपके पास वो प्रोफेशनल लेवल का प्रोडक्ट नहीं आ पाएगा. अभी जैसे एक टेम्पू ट्रैवलर को हमने, नॉर्मल टेम्पू ट्रैवलर जो T2 है, पापा हर बार आते हैं और वीडियो में एक बम गिरा के चले जाते हैं. ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है. बहुत आसान है कह देना कि हम लोग
टेम्पू ट्रैवलर को जो है फोर व्हील ड्राइव कर देंगे. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर अ हार्ड वर्क, आफ्टर ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स ऑफ टाइम एंड नियर अबाउट फाइव फेलियर्स, फाइनली वी हैव डेवलप्ड अ फोर व्हील ड्राइव, अ फोर व्हील ड्राइव फंक्शनल टेम्पू ट्रैवलर T2 4020 पे हमने उसको डेवलप किया है. सो दिस इज न्यूज जो आपको यहाँ मिल रहा है, ये लॉन्च नहीं And हुआ है. इट इज अ डबल एक्सपेंडेबल. सारे आप हिंट मत दो प्लीज प्लीज. तो बहुत कुछ है, यू विल हैव टू स्टिक फॉर अ कपल ऑफ मोर मंथ्स. हम रिवील और वॉक थ्रू, बट एटलीस्ट थोड़ा तो इसका हिंट दे सकते हैं कि दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. हियर इज जस्ट वन बिट ऑफ दैट कन्वर्जन. बाकी जो पूरा वीडियो है, इट्स सून गोइंग टू बी कम ऑन स्क्रीन ऑन the YouTube channel, but yes, 4x4 conversion, I think आसान नहीं है, आसान नहीं है, it's very difficult, very very difficult. और अगर कोई claim करता है कि they can do it, not professionals, individuals कर सकते हैं, करवा सकते हैं, then I'd say do your research. You don't want to spend that money. 4x4 conversion में जो पैसा लगता है आपको, वो लगा के भी disappointment नहीं चाहिए. तो do your research very well. So that was Mazda ko kara tha, humne kab kara tha? It's almost for yes, so our 17 years back, first ever caravan, yes. Jisko hum Mata Rani bolte hain, 17 years back. Here are some pictures of that caravan on screen. और इसमें हमारा पूरा बचपन गुजरा है. 1992 when I made the first, उसमें मेरे failures कितने थे, कितना मैंने back and forth किया. It took me almost 10 months at that time. 10 महीने लगा था गाड़ी बनाने में. So I was not even born back then. और उसके बाद वो गाड़ी बनी, उस पर 4x4 conversion. Even Richa was not born. Yes. So my older sister, even she was not born at that time. और तब से 94 So तब से conversion हम करते आ रहे हैं. तब से he's been taking knowledge from everywhere and he's been experimenting on multiple things. I remember बचपन में. Soon you are going to see our old Mata Rani on road. We are coming up with this 4x4 wheel drive. So, उस गाड़ी को भी वापस हम revive कर रहे हैं. That's Watch another it. bomb that's going to come. And now moving to question number 3. So guys, ठंडी बहुत है तो हमको बार बार break लेना पड़. So हमारा next question है in for a leak. हमारा next question है in regards with the registration. तो लोग बहुत डरते हैं रजिस्ट्रेशन से कि मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा. व्हाट इज योर अपटेक ऑन दैट? ऐसा है कि कई गाड़ियां मैंने ऐसी देखी हैं जो लोगों ने हैचबैक गाड़ीज में और दूसरी गाड़ियों में कैरावन का सेटअप किया हुआ है. बट इफ़ यू गो बाय लॉ एज पर दी लोकल RTO नॉर्म्स, इट्स टोटली इलीगल. मैं ये नहीं कह रहा गाड़ी नहीं बनाए आप, उसका कन्वर्जन ना करें, कर सकते हैं. रिस्पेक्ट टू आपके पास उसकी पूरी नॉलेज हो. इस नाम पे लोगों ने कंसल्टेंसी खोल दी है कि हम आपका करा के दे देंगे. मैं आपको बताता हूँ, आप डायरेक्टली RTO के पास अप्रोच कर सकते हैं. आपको एक उसका फ्लोर प्लान लेके जाना है. एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि उसके ऊपर में क्या कार्रवाई हो सकती है. जैसे आपकी कोई हैचबैक गाड़ी है या आपने SUV या MUV कोई भी ली हुई है, उसकी अगर आपने पीछे की सीट आपने हटा दी और हटाने के बाद आपने उसके अंदर में किचन बिल्डअप कर दिया, तो बाय लॉ अगर RTO अगर आपकी गाड़ी रोकता है कहीं और चेकिंग करता है, ही हैज़ अ राइट आपकी गाड़ी का चलान काटे और हैवी चलान प्लस आपकी गाड़ी को इम्पाउंड भी कर सकता है. तो उसका तरीका है, आप अपने लोकल RTO के पास जाएं और उनको अपने जो पॉइंट्स हैं कि आपको मेरी ये चीज़ें मैंने चेंजेस करने हैं. बड़े मेजर चेंजेस आप उस गाड़ी में नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अगर आपने पीछे की सीट हटानी है तो वो RC पर चढ़ा हुआ मैंडेटरी है कि आपको उसमें जब आप सीटें कम कराएंगे तो आपको करवाना है. वाई आई एम टेलिंग यू, इन केस अगर आपकी गाड़ी का किसी और गाड़ी से एक्सीडेंट होता है या दूसरी गाड़ी अगर आपको एक्सीडेंट करती है, आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. 100% इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. यू कैन नॉट क्लेम फॉर इट. बट आवर व्हीकल्स आर 100% इंश्योर्ड ना, बिकॉज़ वी गो विद द नॉर्म्स. ओके, आपने अगर गाड़ी को रजिस्ट्रेशन अगर कैरावन में नहीं कराया, आपका फ्लोर प्लान एक
कि वही बात आ जाती है कि आप प्रोफेशनल से जब काम कराते हो, इट शुड बी अ वैलिड यू नो फ्रॉम द अथॉरिटी. आज आपके पास चार वो आ गए हैं, ठीक है. ARI से अप्रूवल का आज का सर्टिफिकेट आना चालू हो गया है. फॉर्म नंबर 17 होता है, फॉर्म नंबर 22B, ये चार फॉर्म लगते हैं कोई मॉडिफिकेशन करने के लिए. 124 है, जो लोगों को पता नहीं है, लोग बाग गाड़ियाँ बनवा रहे हैं, चाहे किसी के पास उसका सर्टिफिकेट है या नहीं है. कल को अगर गाड़ी आपकी थॉरली अगर उस पैरामीटर में आती है, इंश्योरेंस क्लेम आपको नहीं मिलेगा. और सेकेंडली, गाड़ी अगर आपकी कैरावन के अंदर में रजिस्ट्रेशन नहीं है, दो चीज़ों को अलग कर रहा हूँ, बाइफरकेट कर रहा हूँ. एक, आपने किसी छोटी गाड़ी को, जैसे हमारी वालिया है या अशोक लेलैंड की स्टाइल थी या कोई सूमो या कोई भी गाड़ी जिसका बैकडोर आपका ओपन होता है और पीछे की सीट अगर आप उसकी रिमूव कराते हैं, तो उसके लिए मस्ट है कि आपको अपने लोकल RTO से अप्रूवल लेना चाहिए. अगर नहीं लेते, बाद में आपको आने वाले टाइम में या कभी भी दिक्कत आ सकती है. इन केस ऑफ एक्सीडेंट यू कैन नॉट क्लेम इंश्योरेंस, दैट्स 100% ट्रू. जो चीज़ें आपको नहीं बताई जाती हैं, आपको नहीं पता, तो उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ. तो यू आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कंसल्टेंसी और अ कंसल्टेंट, आपको आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट कर सकते हैं व्हाई यू वांट. और कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है, देखो मैं उस बीच का एक पॉइंट में बता रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि जब हम गाड़ी बनाते हैं तो स्ट्रेट वे पीपल आस्क फॉर कि इसका प्राइस क्या है. देखो, हम लोग यूट्यूब का जो हमने चैनल चालू करा है, दैट इज़ नॉट टू मेक मनी आउट ऑन दैट, इट इज़ ओनली टू मेक पीपल अवेयर कि ये इस टाइप की. हमारा कोई भी प्रोडक्ट आप देखेंगे, कोई भी रिपीट नहीं है, हर बार कुछ नया लेके आता है, हर बार एक नया एक प्रोडक्ट बन के आता है. और अभी भी कुछ नहीं तो करीबन 13 प्रोजेक्ट्स अलग अलग चल रहे हैं. तो उस प्रोजेक्ट के अंदर में आपको हमारे रिपीट नहीं मिलेंगे, बट उस चीज़ को आपको पैरामीटर्स में लाना है, तो यू हैव टू कम इन दैट, उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा जहाँ पे विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन दी RTO नॉर्म्स आप अपनी चीज़ों को फुलफिल करा लें. आज भी हमारे पास रूफ टॉप कैरियर लगाने के लिए परमिशन नहीं है. पीछे केसेस लड़े गए हैं, कई केसेस हुए हैं जिसके लिए लोगों ने फाइट किया है और आज भी उसके नॉर्म्स नहीं. अगर आप कहें तो मेरे को एक पेपर में दिखा दें कि कोई किसी ने RTO नॉर्म्स में ये कह दिया कि आप ऊपर किसी भी गाड़ी में कैरियर लगा लें. लोग बाग टेंट लगा रहे हैं बट उसकी परमिशन नहीं है. उसका खामियाजा क्या है कि कल को अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट होती है तो उस केस में आपको क्लेम करने में दिक्कत आएगी. एंड इंश्योरेंस गाइज आर दे आर वेरी स्मार्ट, वो लूपोल्स निकालते हैं कि आपकी इस गाड़ी की इस कारण से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ. सेम इज़ द केस ऑफ अ टोइंग कैरावन ऑल्सो. टोइंग कैरावेंस का जो है अभी तक जो है चलन जो है इसलिए नहीं आया कि हमारे पास अभी तक नॉर्म्स नहीं आया. तो आप कह रहे हो कि अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, गो टू अ प्रोफेशनल अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, नॉट टू समबडी जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं आपको इस चीज़ पे कंसल्ट कर सकता हूँ. गो टू अ प्रोफेशनल. कई गाड़ियों के हमने रैंडमली जो आपके YouTube पे माध्यम से लोग बाग अपना बताते हैं कि हमने गाड़ियाँ जो हैं कैरवन में रजिस्टर कराई है, माइंडेड RC पे आपको लिखा मिल जाएगा. अब आपका टोटली जो है सेंट्रलाइज हो गया है, वाहन में गाड़ी के पूरी कंप्लीट डिटेल, उसकी जन्म पत्री जो है पूरी दिखती है. तो वॉच इट बिफोर डूइंग एनी यू नो चेंजेस इन योर व्हीकल और गेटिंग इट कस्टमाइज और गोइंग टू. आई एम नॉट सेइंग आई एम द ओनली वन प्रोफेशनल, देयर मेनी अदर होम यू कैन ऑप्ट फॉर, नॉट इन नॉर्थ नॉट इन साउथ, देयर सो मेनी पीपल. Those who have a certificate to give you a proper certificate against one for the getting the vehicle registration done under a caravan policy. So ये बहुत ज़रूरी मैटर करेगा आपका फ्यूचर में. कभी अगर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और गाड़ी अगर वो प्रॉपरली उस नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बनी, तो यू आर एट फॉल्ट, नॉट द कंपनी. सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इंस्टेड ऑफ यू नो पेइंग अंडर द टेबल मनी, जहाँ आपको नहीं पता कि उसका कुछ यूज़ होगा भी या नहीं होगा, आप गो टू अ प्रोफेशनल. एंड हम लोग भी आई थिंक इवन वी हैव व्हाट 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ कि कहाँ से रजिस्टर कराया जाए. तो व्हेन वी आर प्रोवाइडिंग द कैरावन एट दैट टाइम हम आपको गाइड भी कर सकते हैं. फर्स्ट एवर कैरावन व्हिच वी गॉट रजिस्टर्ड अंडर अ कैरावन वाज फ्रॉम पुणे, माय फर्स्ट व्हीकल, एंड दैट टू आई एम टॉकिंग वे बैक इन 1992 बिकॉज़ आई वेंट थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर. प्लीज
एमएलओ के पास में राइट्स होते हैं, हर एमएलओ के पास में राइट्स हैं, दे हैव अ स्पेशल राइट, जिस राइट के स्पेस में आपको वो परमिशन दे सकता है, दे हैव सर्टन राइट्स ऑन इट। सो हेवाई मना करके आप डायरेक्टली अपने उस पर अप्रोच करें, कुछ टाइम लगता है। देखिए कभी भी अगर आप किसी डायरेक्ट उसके पास जाएंगे आपको डायरेक्ट आप चीज़ें नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हार्ड है। बट हर एमएलओ हर स्टेट के उसके पास में राइट होता है एंड दे कैन गिव यू दे हैव अ स्पेशल पावर, दे कैन यूज इट। स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या है? स्पेशल पर्पज व्हीकल का जो एक्ट है वो दैट इज रिलेटेड टू योर दिस थिंग ओनली, कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। एंड द सेम थिंग जो आप हैचबैक और दूसरी गाड़ी में करते हैं उसके लिए उनके पास राइट होते हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट अ रजिस्टर्ड अंडर अ कैरावन पॉलिसी, बट येस आप जो उसमें अमेंडमेंट करा रहे हैं, चाहे आप अपनी साइड में ऑनिंग लगा रहे हैं या ऊपर आप उसके टेंट लगा रहे हैं या पीछे किचन निकाल लगा रहे हैं, बिकॉज उस किचन को लगाने के लिए आप दो सीटों को कम कर रहे हैं। आपकी RC पे 7 सीटर है बट आपकी वो 2 या 3 सीटें निकल गई हैं, तो आपकी एक्चुअल उसके हिसाब से वो लीगल नहीं है, तो उसको आप RTO के पास जाके आप उसको इंडोर्स कराएं, नॉट अ बिग डील। और उसका कोई फीस ज़्यादा नहीं है, 200-300 रुपये में आपका इंडोर्समेंट हो जाता है सारे काम। सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन आई थिंक। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स विद वॉशरूम। आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बोथ ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग आवर कंसल्टेंसी और लाइक ड्यूरिंग द डिस्कशन एज वेल। लोग ये पूछते हैं कि जो हमारे वॉशरूम्स हैं वर्सेस जो वॉशरूम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें से वो कैसे चूज करें और क्यों चूज करें ओवरऑल मोड ओवर हमारे वॉशरूम्स, लाइक व्हाई शुड दे चूज आवर वॉशरूम। देखो विदुषी, मार्केट में जो वॉशरूम्स लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली इंपोर्ट ही हो रहे हैं, ठीक है। आप घर वाला वॉशरूम अगर उसके अंदर लगाते हैं, कई लोगों को मैंने कई गाड़ियों के अंदर देखा है, लोगों ने जो सेरामिक के जो टॉयलेट्स हैं लोग बाग उसको यूज़ कर रहे हैं, और अभी कुछ कंपनियों ने इंपोर्ट करना चालू कर दिया है, वो आपका पोर्सलिन के जो अपना जो सेरामिक है उसी के बने हुए वॉशरूम्स को लगाते हैं, दे आर गुड नो डाउट। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो पर्पसली बिल्ड हैं बेसिकली एक फैमिली के लिए, ठीक है आप यूज़ कर सकते हैं उसको, और कुछ पोटा पोटी के टॉयलेट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बट हर बार ये होता है कि उसको यार हु इज़ गोइंग टू बेल द कैट, तो उसको डिस्कार्ड करने का एक इशू है। दूसरा कुछ जो टॉयलेट्स, यस अच्छे टॉयलेट्स हैं जो जर्मनी और यूएसए और कई अदर कंट्रीज से बने हुए रेडीली अवेलेबल होते हैं, लगाने के लिए ठीक है, बट उसका होता एंड क्या है कि जब आपके पास दिक्कत आती है, जैसे कि एक हमारे रेगुलर क्लाइंट हैं, उन्होंने यूएसए से अपने जो है टॉयलेट्स वगैरह इम्पोर्ट करे थे, आफ्टर ईयर और सो ही स्टार्टेड फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो ही स्टार्टेड लुकिंग एट कि भाई किस वेंडर से मेरे को इसके स्पेयर, जिससे इम्पोर्ट कराया था लोकल में, वो कहता साहब मैं तो बनाया, मैंने आपको दे दिया, मेरी ड्यूटी ख़त्म, मेरे पास उसके स्पेयर्स अवेलेबल नहीं। तो अल्टीमेटली उनको उस टॉयलेट को बाहर निकाल के हमारा टॉयलेट लगवाना पड़ा। रीज़न बींग क्यों, स्पेयर पार्ट उसके आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। वो चीज़ें दिखने में अच्छी लगती हैं, बट हुआ क्या कि कई, मैं नाम ले सकता हूँ कि पारस ट्रेवल वाले, उन्होंने इम्पोर्टेड टॉयलेट जो थे वो जर्मनी वाले लगवाए। उनकी बसेस में कितना है, बस जब ट्रेवल करती है तो ऑब्वियसली नियर अबाउट उस बस में करीबन 30-35 लोग ट्रैवल करते हैं, हाई क्लास बस में। 4 गाड़ियों में से उन्होंने अपने बने हुए वॉशरूम्स निकलवा दिए सारे और हमारे वॉशरूम्स लगवाए। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड, बिकॉज उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं मिलती है, और दूसरा जो मैशरेटर वाले जो पंप वाला जो सिस्टम है दैट इज़ गुड फॉर दी गोरों के लिए, द काइंड ऑफ फूड वी ईट, तो हम फूडी हैं ज़्यादा, उस फूडी होने की वजह से होता क्या है कि हम खाते भी हैं तो ऑब्वियस है उसकी निकासी भी चाहिए, तो निकासी के लिए आपको उसका कंजम्पशन जो है वो दोज आर नॉट मेंट फॉर यू नो अ बिग थिंग, तो अल्टीमेटली चॉकिंग होती है। चॉकिंग होने की वजह से मेरे पास पड़े हैं, हमारी फैक्ट्री में पड़े हुए, मैं दिखा सकता हूँ, करीबन नेपाल की गाड़ियों में हमने निकाले, लोगों ने हमसे नहीं लगवाए थे, बट लेटर ऑन दे रियलाइज, और उन्होंने क्या करा कि अल्टीमेटली उन्होंने सारे वॉशरूम निकलवा के हमसे लगवाए। एंड वी आर फॉरगेटिंग सिंस फॉर लास्ट 3 इयर्स, हाँ पिछले 3 साल से
पैरामिलिट्री फोर्सेज में, स्पेशली ऑन फॉर दी CRPF को हम दे रहे हैं, ITBP को हमने दिया है, NDRF की गाड़ियों में हम लोग लगा रहे हैं। तो कहीं तो कोई क्वालिटी है, चीज़ें हैं जो हम दे रहे हैं और वो हमसे लगवा रहे हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज तक है CRPF ITBP दे आर ऑप्टिंग फॉर आवर वॉशरूम्स इन देयर बसेस। तो क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विस, यस दैट्स अ मेजर पॉइंट। जब हमसे लगवाएंगे आप वॉशरूम, तो आपको एक आफ्टर सेल्स मिलेगी उस प्रोडक्ट की। एंड 10 साल हो गए हैं लोगों को हम दे रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट व्हाट वी हैव स्पेंड 10 इयर्स। आज के टाइम में अगर हमने गाड़ी में अगर वॉशरूम लगाना है, हो सकता है कि लोगों को थोड़ा वियर्ड लगे कि ये आप इतना प्रोफेशनल होने के बावजूद भी आप 10 से 15 दिन बोलते हैं कि एक गाड़ी के अंदर वॉशरूम लगाना है। लगता है उसका, इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप एक मार्केट से एक फाइबर की शीट लें और दीवारों पे उसको लगा दें। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बताता हूँ क्या होता है। लोकली आप लगवा लेंगे, कुछ लोगों ने क्या करा है कि वो स्टील की शीट लगवा देते हैं, नीचे फ्लोर के अंदर में शीट लगवा ली, बट उसका एंड रिजल्ट क्या होता है कि जब आप नहाने के लिए यानी वॉशरूम जब यूज़ करेंगे, गर्म या ठंडा पानी जब यूज़ करेंगे वॉशरूम के, स्पेशली इन कैरावेंस, उसमें दिक्कत क्या आती है कि वेपर्स बनते हैं, और वेपर जब कंडेंस होता है तो वो जाके लकड़ी में अब्सॉर्ब करेगा। अगर आपका प्रॉपरली मोल्ड नहीं बना हुआ वॉशरूम का, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट नीड्स अ प्रॉपर मोल्ड। और एक शीट को बाहर से चिपका देने से एक आपका टेम्परेरी तो रिलीफ मिल गया। मैं अपनी खुद की गलतियां बता रहा हूँ, जब इनिशियली हम लोगों ने बाथरूम बनाया था यही गलती हम लोगों ने करी थी। आज हमारे बाथरूम में हर शेप एंड हर साइज के मिलेंगे आपको, उसके अंदर में हमने खुद गलतियां करी हैं। और उसके अंदर में बाद में जब हमने उन शीटों को निकाला है तो वुड वर टोटली रॉटन। सो हेयर कम्स दी चॉपर। Camera is little bit crooked. So helipad location है. True. इसीलिए ऐसा. Especially I'm sorry. हमने permission ली थी इसकी. Yes. We got the permission from the army and from the other local source. जो यहाँ के प्राइवेट वो हैं उनसे परमिशन लेके तब हम यहाँ एंटर हुए हैं, अदरवाइज इट्स नॉट परमिसेबल। यस, सो अगेन कमिंग बैक टू वॉशरूम वाला पॉइंट, आई थिंक द वॉइस इज गोइंग टू बी ऑडिबल। सो या वॉशरूम्स क्या आप बता रहे थे, द मिस्टेक्स वी मेड एंड नाउ दैट उस टाइम में जो हम लोगों ने मिस्टेक करी थी उस टाइम में, अल्टीमेटली आई पेड द प्राइस, वी पेड द प्राइस इन सेंस जो हमारी गाड़ियाँ जब हमने उनका रिफर्बिश करने के लिए जब हमने निकाला तो टोटली नीचे का फ्लोर और साइड की वुड वो टोटली रॉटन हुई हुई थी, पूरा रॉटन था। उस गलतियों से सीखा है, उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर में टाइम स्पेंड किया, R&D करी, उस गलतियों के बाद हमने इतने सुधार किए हैं उसके अंदर में कि आज हम उस लेवल पर हैं कि हमें पता है कि चीज़ों में कहाँ गड़बड़ी हो सकती है। सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि आप एक कह दें कि मैं पतली एक शीट लगा के फाइबर की लगा के आप काम कर लें और बाथरूम बना लें और टॉयलेट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट सिंपल। सेप्टिक टैंक, इट्स वेरी डिफिकल्ट, सेप्टिक टैंक के अंदर भी दिक्कतें आती हैं, यू गेट अ बैड ऑडर। बहुत इजी है चीज़ें बोलना कि मार्केट के अंदर में केमिकल्स आते हैं, द वन विच वी आर यूजिंग इट्स एमला, एमला इज अ इटालियन बेस्ड कंपनी, पर लीटर इट कॉस्ट नियर अबाउट 3,000 rupees। कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट इट, सो आप कह रहे थे देयर इज सम लिक्विड जिसकी आप बात, ऐसा है कि मार्केट में जो यूज कर रहे हैं लोग वो नॉर्मल टॉयलेट यूज कर रहे हैं या बना रहे हैं जो भी है। हमारे वॉशरूम्स के अंदर में खासियत ये है कि इट कम्स विद द यू नो केमिकल डिस्पेंसिंग सिस्टम। जब आप
फ्लश यूज़ करते हैं, फ्लश के साथ में केमिकल भी साथ में जाता है एंड दैट इज़ अगेन अ यूज़र फ्रेंडली, सॉइल के लिए ख़राब नहीं होता। तो इस पर कम्प्लीट वीडियो जो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा कि कैसे वॉशरूम फंक्शन करता है, दैट इज़ गोइंग टू बी लिंक समवेयर ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मार्केट में जो लिक्विड मिलता है दैट्स बेसिकली अ चाइनीज और वो दैट्स नॉट इफेक्टिव एंड दैट इज़ बेसिकली हार्मफुल फॉर द सॉइल एज वेल। द वन विच वी आर यूजिंग दैट इज़ यूज़र फ्रेंडली, महंगा है बट उसका कंजम्पशन बहुत कम है, बहुत बहुत कम है, बट एंड यूजर्स के लिए आपको कभी भी उसका ऑडोर नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगा। लिटिल बिट गोज अ लॉन्ग वे। और ये फुल प्रूफ पैकेज हम आपको देते हैं वॉशरूम जब हम बिल्ड। थोड़ा हमारा टॉयलेट महंगा जरूर मिलेगा आपको वॉशरूम, बट इन दी एंड अगर आप उसको लॉन्ग रन में यूज़ करें, हमारे टॉयलेट्स आज करीबन 15-15 साल पुराने टॉयलेट्स हैं जो आज तक फंक्शनल है। हमारी पुरानी गाड़ी देख लो, उठा लीजिए, पुरानी गाड़ियाँ जो इवन मज़दा ऑल्सो। बिगेस्ट थिंग इज हम लोग दिल्ली बेस्ड कंपनी है, वी प्रोवाइड आवर सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवन इन नेपाल, हमारे नेपाल में भी, नेपाल भूटान आल्सो। सो आपको सर्विस जो है वहां तक मिल जाएगी, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप बनवाते हैं यू नीड टू बी माइंडफुल ऑफ, एंड नाउ बिकॉज द बैटरी इज अबाउट टू डाई वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इन रिगार्ड्स विद कैरावानिंग। पीपल आर स्केयर्ड कि कैरावानिंग पार्क, मतलब कैरावानिंग करने के लिए यहाँ पार्क्स नहीं है, तो क्या ये सेफ है एनवायरनमेंट में वाइल्ड कैंपिंग, बून डॉकिंग जिसे हम कहते हैं, बून डॉकिंग, क्या सेफ है या नहीं है? बेटा आई थिंक हमें ही 25 साल हो चुके हैं कैरावानिंग करते हुए, yes. और ऐसा तो आज तक कभी भी इंसिडेंट नहीं हुआ है कि हमारे साथ कभी रॉबरी हुई हो या हमारे को किसी ने परेशान करा हो। और इंडिया में अभी जो कैरावानिंग का कल्चर जो चला है वो अभी टाइम लेगा, जैसे मैं पहले भी अपने पुराने वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, इट गोइंग टू टेक टाइम। कुछ स्टेट्स हैं जो इसके नॉर्म्स को लेके आ चुकी हैं, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, उत्तराखंड टूरिज्म हैज़ ऑल्सो कम, उत्तराखंड गवर्नमेंट प्लस यूपी गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो कम, तो स्टेप बाय स्टेप कश्मीर इज़ ऑल्सो कमिंग, श्रीनगर, हिमाचल इज ऑल्सो अंडर प्रोसेस, तो कुछ गाड़ियाँ हमारी हिमाचल की भी कैरावेंस बन रही हैं, तो चीज़ें हैं, टाइम लगेगा। देखिए इन सब चीज़ों को एक प्रोफेशनली उसाने में टाइम लगेगा। कैरावन पार्क्स के लिए अगर आप बात करें तो अभी ये सच डेवलप नहीं हुए हैं, और अगर डेवलप हो भी जाए तो एक पर्टिकुलर कैरावन पार्किंग करने के लिए आपके पास, जैसे बाहर में है कि हर 20-30-50 किलोमीटर के दायरे में आपके पास एक कैरावन पार्क है, तो वहाँ वो यहाँ पर नहीं है। सो बेसिकली आपको एक वाइज डिसीज़न लेके एक टीम वर्क में, और जो ऑलरेडी प्रोफेशनली कैरावेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स कर रहे हैं, और जैसे कि हम लोगों की टीम जो पिछले 20 साल से 25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे साथ टीम जुड़ी हुई है, बालिक राम जो हमारे मेन ड्राइवर हैं, बीरबल हैं जो हमारा हेल्पर कम कुक, ही इज़ मल्टी टैलेंटेड पीपल, आई एम बोथ ऑफ देम, हेड्स ऑफ टू देम, इनकी वजह से आज हम जो हैं सस्टेन कर पा रहे हैं चीज़ों को लेके, तो उनका होना ज़रूरी है। और आप एक मान लीजिएगा अगर आप कभी गाड़ी बनाना भी चाहते हैं तो उससे पहले आप क्यों ना हमारी गाड़ी को एक छोटे टूर पे ही हायर करके शॉफर ड्रिवन बेसिस पे चला के देखें। रेंट बिफोर यू बाय। सो गाइस द एंगल इज गोइंग टू गेट चेंज्ड क्योंकि कैमरा की बैटरी डेड हो चुकी है। इट डाइड, डू डाई। यस, वी वर ऑन द क्वेश्चन कि कैरावानिंग करते टाइम अगर लोगों को घबराहट होती है कि वो कहाँ स्टेशन करेंगे। घबराहट नहीं है, एक्चुअली क्या है, लोगों को ऐसा लगता है यार ये कैरावानिंग अगर अब हम करते हैं सेफ है नहीं है, लाइक रैंडमली हम लोगों ने ये लोकेशन जो है करी थी ड्यूरिंग आवर फर्स्ट रेकी। हम लोग ये लोकेशन देख के गए थे एंड दैट टाइम जो सीजन था वो नहीं चल रहा था। आई एम सॉरी इसकी बात को काट कर रहा हूँ मैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ में करते हैं, जैसे कि हम लोगों की टीम क्या करती है, कभी भी कुछ करने से पहले हम लोग पहले उसकी रेकी करते हैं, टूर रेकी करी जाती है, हर साल होती है। अभी चारधाम के हमारे टूर चल रहे हैं, तो चारधाम के लिए भी हम लोगों ने पहले से रेकी
चारों जगहों की पहले करके लेके चलते हैं टूर के स्टार्ट होने से पहले, बिकॉज एवरी ईयर सिनेरियो चेंजेस, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. लोग बाग एक रैंडम उस पर चले जाएँ और वहाँ जाके हम कर लेंगे ना, इसके लिए आपके पास टीम होनी चाहिए जो टूर को स्टार्ट करने से पहले 15 दिन पहले या महीना पहले उस पूरे रूट की रेकी करके आए, इनपुट्स आए, उसके बेसिस पे आप टूर को करें तो आपका टूर एक 100% अचीवमेंट के साथ में प्रूव होता है. एंड दैट्स अ रीज़न हम लोगों ने पहले जब ये करा है उससे पहले विदुषी जो है ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले UTDP के काम से रिलेशन में, तो वो पहले यहाँ पर आके गई है और हमारी टीम ने चारों धाम का पूरा रेकी करा है. तो वी नो अबाउट द फैक्ट्स कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं. सबसे बड़ा इशू आता है पानी का, माइंड इट, आपकी गाड़ी जो है लिमिटेशन है. होटल्स में आपको पानी जो है वो थोड़ो मिल जाता है, वहाँ पे भी ब्रेक आता है. यहाँ तो आप कैरावन में ट्रैवल कर रहे हो, यू हैव अ लिमिटेशन फॉर द सैनिटेशन, यू हैव अ लिमिटेशन फॉर द वाटर सप्लाई. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गाड़ी भी वैसी बनानी पड़ती है. अभी हम टोटल 11 लोग इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, तो 11 लोगों के हिसाब से हमने उसकी वाटर की कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखा है. यहाँ टेम्परेचर आई थिंक माइनस में होगा अभी, तो नहीं अभी है. नहीं है बट एट नाइट, और कल जब हम थे तो इट वाज इन माइनस, तो हमारे पास उसका प्रोविजन था, वी हैड हॉट शावर, सो इट वाज लाइक हॉट शावर हम सब ने लिया, मज़ा आया उस चीज़ में. तो एक एडवांटेज है सारी चीज़ों का. UTDP के साथ हम जब गए थे, लाइक नॉट टू बैश ऑन एनीथिंग, बट जो वहाँ के GMVN गेस्ट हाउसेस भी जो थे वहाँ पे भी आई थिंक बहुत टाइम लगा था उस पानी को गर्म होने में, बट हेयर गेटिंग द इंस्टेंट हॉट वाटर, दैट वॉज द की इस लोकेशन पे. आपके पास हमारी गाड़ियों में एक सोर्स नहीं है पानी को गर्म करने के लिए, दे आर फोर वेज. हीट एक्सचेंजर से मिल सकता है आपको पानी, गीज़र से मिल सकता है जो आपका इलेक्ट्रिक गीज़र है, जब इलेक्ट्रिक गीज़र नहीं है तो आपके पास गैस गीज़र है. ये तीन सोर्स तो आपके पास हैं ऑलरेडी, चौथा एक और है जो डीजल फायर्ड गीज़र होते हैं, वो भी है ऑप्शन. तो देयर फोर ऑप्शंस अवेलेबल, यू कैन गेट एक्सटेंड यू नो हॉट वाटर. बिफोर स्टार्टिंग अप योर ओन कैरावेनिंग यू कैन ऑप्ट एनी ऑफ आवर कैरावेंस, और आपको लगता नहीं मेरे पास मेरी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए और ट्रैवल करते समय, आप तो या तो शफर ड्रवन में ले सकते हैं या कुछ हमारी गाड़ियाँ जो हमारी ग्रुप में चलती हैं उस सर्विसेज को आप हायर कर सकते हो एज एन ऑफ सेल्फ ड्राइव बेसिस पे. ऑफ कोर्स उसका एक सर्टन अमाउंट हम आपसे एज एन सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, बट उसके साथ में आपको प्रोफेशनल साथ में मिल रहे हैं. प्रोफेशनल इन सेंस कि कल को अगर रास्ते में कोई गाड़ी के साथ में ब्रेकडाउन होता है, मैलफंक्शन होता है, यू हैव अ हैंडी स्टाफ जो आपको हर चीज़ हर समय आपको जो है वो करा के लेके रहेंगे. और क्योंकि टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ट्रेवल करते हैं उसके साथ साथ आपके पास में एक प्रोफेशनल गाइडिंग के साथ साथ में आपको लोकेशंस जो हमने देखी हुई हैं उन सब का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा. तो दैट इज़ एन अ बिग एडवांटेज. अगर आप डरते हैं कि मे बी ये वाइल्ड लोकेशन पे हम कैसे काम कर सकते हैं, हम लोग तो ट्रस्ट करते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स के उनके इनपुट पे, उनके इनपुट पे और उनके एक्सपीरियंस पे. बिकॉज बीरुल भैया नॉट नाउ, बालिक भैया ऑल्सो नॉट नाउ, दे हैव सीन अस ग्रो इन दीज कैरावान्स. तो वो तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो तब से एक एक लोकेशन पे जा चुके हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन ऑल ओवर लाइक सेक्टर्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ नेपाल, भूटान. तो उनको नॉलेज है इन जगहों की कि अगर कोई बोलता है यार मुझे तो बिल्कुल कोजी लोकेशन चाहिए जो बिल्कुल आइसोलेटेड हो, हम वैसी लोकेशन भी दे सकते हैं. एंड समबडी सेज कि नहीं आई एम ट्रैवलिंग विद फैमिली, तो आप बेस्ट मुझे गाइड करो कि मेरे लिए सेफ स्पेस क्या रहेगा. आपको एक सेफ स्पेस भी डेजिग्नेट या एक स्पेस के लिए भी आपको बताया जा सकता है, ये सेफ एक जगह है आप यहाँ जाके पार्क करो. तो इट ऑल कम्स डाउन टू द पर्सन हु आर ट्रैवलिंग विद यू ऑन बोर्ड. जो आपके पास ऑन बोर्ड हेल्प है उन पे डिपेंड करता है, आपको उन पे ट्रस्ट होना चाहिए जब आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं. एंड दैट इज़ व्हाट वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग. इसीलिए जब भी हम लोग कोई रेंटल प्रोवाइड करते हैं स्पेशली फॉर दीज बिगर लोकेशन सच एज चारधाम लद्दाख एंड पार्ट्स ऑफ नेपाल, यहाँ पे हमारी रेकी रहती है. बिकॉज ये छोटी गाड़ी नहीं है कि आप इसको घुमा सकते हो और जा सकते हो वापस की ओके ओके दिस लोकेशन इज़ कैंसल्ड. आपको एक पूरा फर्म नॉलेज होना चाहिए लोकेशन का कि इस सीज़न में इस लोकेशन पे इतना वाटर है, इस लोकेशन पे इतना सैंड है, एंड वी कैन और कैन नॉट स्टॉप देयर, राइट?
वाटर प्लेज अ मेन मेजर रोल। की एसेट आपका जो है वाटर का स्टोरेज और वो मेन रहता है, जो कि इतना आसान नहीं है अगर आप 11 लोगों के ट्रैवल कर रहे हो या 6 लोगों के एक ग्रुप को लेके चल रहे हो। और जब हमारा मास ट्रैवल करेगा, मान लीजिए कि अभी हम रिसेंट टाइम में जो है हम 20 लोगों का 25 लोगों का ग्रुप लेके चलेंगे, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारा फूड ट्रक भी चलेगा, बैकअप व्हीकल भी चलेगा, जस्ट सो मेनी थिंग्स ऑल टुगेदर। इट्स नॉट जस्ट ओनली अ कैरावैन, अ बैकअप टेल गनर, देयर सो मेनी थिंग्स पीपल डोंट नो अबाउट द कैरावैनिंग। वी आर गोइंग टू कम अप विद द आइडिया ऑफ लाइक मेकिंग अप दिस थिंग हैपन। And if you want to join the groups, चार धाम का लद्दाख का भी सीज़न ऑन है। अगर आप रिलीजियस है, यू वॉन्ट टू ट्रैवल टू चार धाम, ऑल दी इन्फॉर्मेशन इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप एडवेंचरस हैं, आपको ट्रैवल करना है लद्दाख डिफरेंट लाहौल स्पीति, नॉट लद्दाख जहाँ पे आप जाते हैं टेंट में रुकते हैं खाते हैं मैगी एंड चले जाते हैं, द एक्चुअल लद्दाख एक्सपीरियंस जहाँ पे कैरावान में आप बैठे होंगे ऐसे ही पहाड़ों के बीच में। Have you ever thought of staying at Pangong Lake one night? Yes. No. In a caravan. And when we say staying in a caravan, that means कि आप लेक के साथ में बैठे हैं और वहाँ पे आप एक्चुअली इंजॉय कर रहे हैं उस जगह को। So Same that thing, is bonfire. Yes, that is all possible. Royal Cadet, in fact, हम लोगों ने ट्रैवल किया है लद्दाख में Royal Cadet में। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आर ग्रुप्स। जो भी इंफॉर्मेशन है, it's going to be linked in the description box below, and that does it for this Q&A. I'll try to hijack him again for ek kaam aur kar sakte hain the people Q&A. Those who already owns a caravan, they can join us. Hamare group ke sath mein chal sakte hain wo log, unki gaadi leke, respect to ki hum, we are not going to charge you any kind of a fees. I'm sorry, hum koi fees nahi charge kar rahe uske. You can feel that, I mean, you are more than welcome to join any of our groups. सो या अगर आप लोग लद्दाख में, जैसे हमारे खुद के ग्रुप चलते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि हमारी कैरवान्स ऑलरेडी जो चल रही है उनके साथ में मे बी आपको कंफर्टेबल फील होता हो कि और भी कैरवान्स हैं, तो लेट्स गो कैरवानिंग विद देम ओनली। तो डेट्स जो होंगी वो बहुत सून अवेलेबल होंगी। उसका हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, वेयर पीपल आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू? देर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, इंस्टा, फेसबुक, सब जगह पर डाला जाएगा, एंड यू कैन ऑलवेज फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन आर यूट्यूब चैनल। So whenever the date is released, हम लोग शेयर करेंगे और आप लोग अपनी कैरावान लेके भी हमारे साथ ट्रैवल कर सकते हैं towards those destinations जो हम ट्रैवल करेंगे। So that is going to wind up this Q&A for today. भूख लगी है मुझे, so I'm going to have a brekkie और उसके बाद we'll be retracing our journey towards Delhi. So thank you so much आप लोगों का यहाँ पे आने के लिए। ये Q&A एक रैंडम सा क्यू एन ए जहाँ पे मैंने हाईजैक करके बिठा रखा है उसको देखने जाके बाबा फैक्ट्री को देखना है, अभी बहुत काम है। सो दैट इज दैट, अभी कुछ नए और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनसे भी अब बहुत हिंट दे चुके हो आप। सो दैट इज गोइंग टू कंक्लूड दिस वीडियो, बट रियली एंजॉय इट। आई मीन सी माउंटेंस, यस, स्नो, वी आर एट व्हाट एल्टीट्यूड? 87 सॉरी 2700 मीटर्स, यस। So probably at this height, probably people get AMS, acute mountain sickness. A little bit. Much. But when you get acclimatized, you Sherry, people like us, haven't yet been able to release that video, जादुंग वाला, लेकिन जो हमारे जैसे डेलीट्स है वो यहाँ पे आके थोड़ा स्ट्रगल करेंगे भाग दौड़ करने में, थोड़ा सा सांस आपका फूलेगा, बट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज वर्थ इट। And let's conclude the video then. Ready for the sign off? Yes. Motorman Ventures signing off.